नमस्कार दोस्तों करियर सेनोडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है आईटीआई और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज के बीच में क्या अंतर है क्योंकि जब हम दसवीं कक्षा कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास जनरली तीन चॉइस होती है इलेवंथ ट्वेल्थ आई टी कोर्सेज और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज इलेवेंथ ट्वेल्थ के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई आई और डिप्लोमा कोर्सेज के बीच में क्या अंतर होता है किसकी वैल्यू ज्यादा है नौकरी किसमें अच्छी मिलती है सैलरी किस में ज्यादा मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कौन सा सही रहेगा कुल मिलाकर हर प्रकार के डाउट आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं तो कृपया इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले देखते हैं कि आई क्या है और डिप्लोमा क्या है आई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आई टी कोर्सेज जनरली एक या दो साल के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं और आई आई एक प्रकार के सर्टिफिकेट लेवल के कोर्सेज होते हैं अगर बात करें डिप्लोमा कोर्सेज की तो डिप्लोमा कोर्सेज पॉलिटेक्निक कोर्सेज होते हैं जिसको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज भी कहा जाता है डिप्लोमा कोर्सेज जनरली तीन साल के कोर्सेज होते हैं जिसको हम मीडियम टर्म कोर्सेज कह है सकते हैं और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज होते हैं जो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा अब बात करते हैं योग्यता के बारे में आई टी कोर्सेज के लिए योग्यता यानी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप दसवीं कक्षा के बाद आई टी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं कई कई कोर्सिज आठवीं के बाद भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर आईडिया ट्रेड के लिए आप दसवीं के बाद एडमिशन ले सकते हैं जिसमें आपके दसवीं कक्षा में दस मिनिमम 45 परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज के लिए योग्यता की बात करें तो इसमें भी आप दसवीं कक्षा के बाद एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा के लिए आप आठवीं के बाद एडमिशन नहीं ले सकते इसमें मिनिमम दसवीं कक्षा पास होनी चाहिए इसमें दसवीं कक्षा में आपके मैथ्स साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ मिनिमम फिफ्टी होने चाहिए यहाँ तक हमने दसवीं कक्षा के बाद दोनों कोर्सेज के बीच का बेसिक डिफरेंस देखा आइए अब कुछ मेजर डिफरेंस देखते हैं जिससे आप ये तय कर पाए कि आपके लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा दोस्तों मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा कोर्स अच्छा है और कौन सा कोर्स बुरा है दोनों कोर्सेज अपने अपने जगह पे सही है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद से तय करना कि आपके लिए कौन सा कोर्स सही है सबसे पहले देखते हैं कि पढ़ाई किस में ज्यादा टफ होती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आई के मुकाबले डिप्लोमा में थोड़ा डीप पढ़ाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि डिप्लोमा कोर्सेज में थोड़ी टफ पढ़ाई होती है डिप्लोमा में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है जबकि आई में पढ़ाई डिप्लोमा के मुकाबले आसान होती है तो आई में आपको डिप्लोमा के मुकाबले ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है आगे बात करते हैं फर्दर स्टडी की अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो यह जानना भी बहुत जरूरी है कि उसमें आगे पढ़ाई के लिए कितना स्कोप है अगर आई आई के बाद आगे पढ़ाई की बात करें तो आप आई के बाद डिप्लोमा में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और अगर डिप्लोमा के बाद आगे पढ़ाई की बात करें तो आप डिप्लोमा के बाद सीधा बी या फिर बी कर सकते हैं जिसमें आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा जो कि एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है उसके अलावा डिप्लोमा के बेसिस पे आपको ट्वेल्थ इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट भी मिलता है जिससे आप ट्वेल्थ के बाद किए जाने वाले और कोर्सेज भी कर सकते हैं प्लस ट्वेल्थ के बेसिस पे जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट निकलती है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अब बात करते हैं कि सर्टिफिकेट की वैल्यू किसकी ज्यादा है दोस्तों जैसा कि हमने देखा पॉलिटेक्निक कोर्सेज डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज होते हैं और आई कोर्सेज सर्टिफिकेट लेवल के कोर्सेज होते हैं तो अगर हम करियर से देखें तो डिप्लोमा की वैल्यू आई के मुकाबले ज्यादा है अगर हम बात करें जॉब स्कोप की तो दोस्तों आपको बता दूं कि आई आई और डिप्लोमा दोनों के बाद जॉब्स के लिए लगभग सेम डिमांड है अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की तो गवर्नमेंट सेक्टर में आई और डिप्लोमा दोनों के लिए काफी रिक्रूटमेंट निकलती है इंडियन रेलवे इसरो ओ दिल्ली मेट्रो बेल डिफेंस सेक्टर और भी कई गवर्नमेंट सेक्टर में आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकलती रहती है अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो यहाँ पे आईटीआई होल्डर्स की डिमांड डिप्लोमा के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है लगभग हर छोटी बड़ी कंपनी में आईटीआई होल्डर्स के लिए रिक्रूटमेंट होती है अगर हम जॉब पोस्ट की बात करें तो डिप्लोमा में आपको जनरली जूनियर इंजीनियर या फिर सुपरवाइजर की पोस्ट मिलती है और आई के बाद आपको ट्रेनी या टेक्नीशियन जैसी पोस्ट मिलती है जिसमें जनरली डिप्लोमा होल्डर्स के अंडर में काम करना होता है अब लास्ट में बात करते हैं सैलरी के बारे में यहाँ पे दोस्तों मेन डिफरेंस आ जाता है डिप्लोमा होल्डर्स को आईटीआई होल्डर्स के मुकाबले ज्यादा सैलरी मिलती है जैसा कि हमने देखा कि डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर या फिर सुपरवाइजर जैसी पोस्ट मिलती है और उनके अंडर में आई टी होल्डर्स को काम करना पड़ता है तो जाहिर सी बात है सैलरी में फर्क आएगा ही अगर हम शुरुआती एवरेज सैलरी की बात करें तो तीन से पांच हजार का फर्क पड़ जाता है मान लो आई टी होल्डर्स की सैलरी दस हजार रूपया पर मंथ है तो डिप्लोमा होल्डर्स की सैलरी तेरह या फिर पंद्रह हजार रूपया पर मंथ होती है यह मैंने शुरुआती सैलरी के बारे में बताया है आगे तो आपके एक्सपीरियंस और आपके काम करने के तरीके से ही आपको अच्छी सैलरी मिलेगी तो दोस्तों यह था आई और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज के बीच का डिफरेंस उम्मीद करता हूँ कि आपको आई और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बीच का अंतर समझ में आ गया हो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ ऐसे ही एजुकेशनल और कोर्सेज के बारे में रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल करियर को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे धन्यवाद